भारत की स्वर्णिम वैज्ञानिक परंपरा, इस विषय पर ये व्याख्यान देने के लिए मुझे जो आमंत्रित किया है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर पर मैं आभारी हूँ डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का और डॉक्टर डेविड यादव जी का। ये विषय मुझे बहुत प्रिय है, मैं हमेशा इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से, 25 वर्ष का करीब मुझे अनुभव हो चुका है कि मैं विज्ञान का लोकव्यापीकरण कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक संगठन भी, मैं क्या कहूँ, मैं तो हम कहूँगा ज़्यादा बेहतर होगा, हमने एक संगठन बनाया है उन्मेष नाम से, जिसका काम है ज्ञान विज्ञान का लोकव्यापीकरण करना। ये विषय इसलिए प्रिय है मुझे क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे युवा पीढ़ी को कि क्या हमारे पास था, क्या हमारे देश के पास था, तो हम प्रेरित नहीं हो पाएंगे। पता नहीं है, युवाओं को पता नहीं है कि भारत के पास कितना ज्ञान का भंडार था, भारत की जो वैज्ञानिक परंपराएं थी वो कैसी थी, भारत का वो स्वर्ण युग क्या था, ये पता नहीं है हमें। और इस विस्मृति के कारण आज हम जो प्रगति हम चाहते हैं वो प्रगति हमारी नहीं होती, हमें कई तरह की परेशानियां, कई तरह के हर्डल्स हमारे रास्ते में आते हैं। इसका कारण है विस्मृति। युवाओं में वो भाव का अभाव है कि हम उस पीढ़ी, हम उन पूर्वजों के की आगे वाली पीढ़ी हैं। हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद हुए, हमारे पूर्वज भास्कराचार्य हुए, हमारे पूर्वज आर्यभट्ट हुए, हमारे पूर्वज प्रफुल्ल चंद्र राय हुए, हमारे पूर्वज जगदीश चंद्र बसु हुए, हमारे पूर्वज नागार्जुन हुए। ऐसे महान पूर्वजों का, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान दर्शन इस क्षेत्र में हमें बहुत कुछ दिया, पर हम जानते नहीं। तो आज ये जो टॉपिक मुझे दिया है, इस टॉपिक पे मैं यही बताऊंगा कि भारत के पास क्या था। अब आप पूछेंगे कि क्यों आवश्यक है भाई ये बताना, क्या अर्थ है इसको बताने का। तो देखिए, मैं आपको कुछ पंक्तियाँ हैं धर्मवीर भारती की है जो सुना रहा हूँ मैं आपको। हम सब के माथे पर दाग, हम सब की आत्मा में छू, हम हैं योद्धा अपराजय, हमारे हाथ में है सिर्फ तलवारों की नोक। हम अगर नहीं जानेंगे, हम अगर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति गौरव अनुभव नहीं करेंगे, तो हमारे पास आगे आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए तलवार नहीं रहेगी, हमारे पास तलवार की केवल मूठ रहेगी। तो ये विस्मृति है और इस विस्मृति को हम लगातार जी रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है। अभी सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, आप ये कहेंगे कि भाई सोने की चिड़िया कहते थे, ये एक वहम पाला हुआ है लोगों ने, वही सोच हमारी कि हम विश्वास नहीं करते, हम कभी भी विश्वास नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि 1750 तक जो सकल घरेलू उत्पाद भारत का था, अब ये ना पूछिए यार कि भारत क्या था उस समय, भारत कितना बड़ा था, कितना विशाल था, ये मत पूछिए आप। पर लेकिन मैं बता दूं आपको, ये मैं आंकड़ों की बात कह रहा हूं जो सत्य है, इनमें कहीं भी किसी तरह का कोई बनाव नहीं है। 1750 तक हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था
संपूर्ण विश्व का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 24.5% हमारा सकल घरेलू उत्पाद था। सोचिए आप कि हम कहां थे। संपूर्ण यूरोप का जो जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद, वो विश्व के का 18.2% था। संपूर्ण सोवियत संघ का भी 18.2% था और भारत का कितना था? 24.5%। दूर की बात क्यों जाए, जब देश स्वतंत्र हुआ, आप सोचिए कितनी लंबी गुलामी की दास्तान थी। 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। उस समय जब स्वतंत्र हुए हम, तब $1 का मूल्य था ₹3.30। आज आप सोचिए कि हम 65 रुपए, 70 रुपए की बात करते हैं। तो सोचिए हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और ये सब कुछ इस देश ने ही पैदा किया था। हमारे देश के बारे में एक बहुत बड़े भारत प्रेमी अमेरिकी लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन, वो कहते हैं, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only. क्या अर्थ हुआ इसका? भारत, हमारा देश भारत, सभ्यता का पालनहार है। यानी आदिम युग से जब हम सभ्य हुए, तो विश्व को सभ्यता जो है वो सबसे पहले भारत ने सिखाई। द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, हम ने लोगों को बोलना सिखाया। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, हम इतिहास की माँ है। इतिहास जो है, विश्व का इतिहास, सभ्य व्यक्तियों का इतिहास जो है, वो भारत से ही शुरू हुआ। हम, मार्क ट्वेन कहते हैं कि हम पुराणों के की दादी है भारत, और संस्कृति की परदादी है भारत। जितना भी विश्व की सभ्यता में, जितना भी सबसे मूल्यवान और विश्व को दिशा देने वाला जितनी भी विषय या जितनी भी वस्तुएं इस देश, इस विश्व में हैं, जो हिस्ट्री में हैं, वो सब भारत ने। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि अगर भारत ने हमें गिनना नहीं सिखाया होता, तो आज जो आधुनिक विज्ञान हम देख रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ये सब क्या है? ये आधुनिक विज्ञान की देन है। मैं जबलपुर में बैठा हुआ हूँ और मधेपुरा के जो विश्वविद्यालय में मैं सामने हूँ, उनके सामने हूँ, और अपने घर में बैठकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सब विज्ञान की देन है। और ये आधुनिक विज्ञान आया कैसे? अगर गणित नहीं होता तो विज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि गणित जो है वो विज्ञान के ही टूल्स। मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज अ टूल ऑफ साइंस। बिना गणित के विज्ञान आगे नहीं बढ़ता। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर भारत ने गिनना नहीं सिखाया होता, तो कुछ भी नहीं रहता जो आज हम विज्ञान देख रहे हैं, आधुनिक विज्ञान देख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। मैक्स मुलर बहुत बड़े जर्मन स्कॉलर हैं, रहे हैं, वो कहते हैं, इफ आई वेर आस्क अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन माइंड
हैज मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड सम ऑफ इट्स चॉइसेस गिफ्ट्स हैज मोस्ट डीपली पॉन्डर्ड ऑन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड हैज फाउंड सॉल्यूशन आई शुड पॉइंट टू इंडिया. यानी भारत ने, अगर हम कहीं पर भी किसी विषय पर भी बात करें, जहां कहीं पर भी ज्ञान को कुछ दिशा देने की आवश्यकता हो, तो हमें भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा. विल डुरांट जो है अमेरिकन इतिहासकार रहे हैं, वो कहते हैं कि इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ अवर रेस एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेज. यानी सभ्यता की जननी भारत है और यूरोप की भाषाएं हैं. ये तो विज्ञान भी कहता है कि यूरोप की जो भाषाएं हैं वो अधिकांश भाषाएं जो हैं वो सारी की सारी संस्कृत से ही उपजी. तो आप ये सोचिए कि ये देश ने क्या क्या नहीं दिया. अब क्यों हम आज इतना आगे क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण बिल्कुल आसान है कि जो 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने केवल एकमात्र काम किया कि उन्होंने हमारी शिक्षण व्यवस्था को तहस नहस किया. उन्होंने, उन्हें चाहिए था जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, विज्ञान की बात थी तो वो सोचते थे कि इंग्लैंड में ही सब कुछ होगा. पढ़ाने की बात थी, अगर इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो उनको लगता था कि इंग्लैंड में ही सब कुछ होगा. उनको ज़रूरत क्या थी, उनको ज़रूरत थी क्लरिकल स्टाफ की, उनको ज़रूरत थी मजदूरों की, उनको ज़रूरत थी प्लम्बर्स की, उनको ज़रूरत थी बढ़ई की, जो छोटे काम, जितने भी छोटे काम होते हैं जिसमें वो इतने दूर बाहर से विदेश से लाके नहीं यहाँ पर थोप सकते थे, ऐसी चीज की व्यवस्था उन्होंने इस देश में की. बाकी जो भारत का जो शिक्षण तंत्र था उसको तहस नहस किया उन्होंने. आज हम देख रहे हैं कि हमने हालांकि बहुत कुछ किया स्वतंत्रता के बाद. जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास एक टूटा फूटा तंत्र था, हमने बहुत कुछ किया, पर इसके बाद भी गुलामी अभी भी गई नहीं. अब हम बात करें कि भारत में क्या था, एक छोटी छोटी सी कुछ बातें मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको. अगर हम बात करें कि सबसे मूल बात यह है कि हम जब मटेरियल साइंस में, द्रव विज्ञान पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले बात हम जानना चाहते हैं कि कैसे बना द्रव्य, पदार्थ कैसे बना. तो सबसे जो सूक्ष्म इकाई है पदार्थ की, इसे हम कहते हैं परमाणु. तो ये परमाणु जो है, इसको सबसे पहले इसकी धारणा आचार्य कनाद ने देखी. अब आप कहेंगे कि ऋषि मुनि थे कनाद ऋषि मुनि थे, तो भारत में ये परंपरा थी, एक परंपरा थी कि वैज्ञानिक जो थे कोई अलग से नहीं आते थे. जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो दोनों चीज़ें करते थे, वो विज्ञान भी करते थे, भौतिक विज्ञान भी करते थे और साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान भी करते थे. यानी उनका लक्ष्य ये था कि जो अमृतत्व है उसको हम प्राप्त करें अध्यात्म से, और जो भौतिक शरीर है उसके कष्टों को दूर करने के लिए हम विज्ञान को देखें. तो ज्ञान की बहुत ज़्यादा तीव्र अभिलाषा थी, वो भी नव क्षितिज ज्ञान के तय करते थे दोनों तरह से, अंदर भी प्रयोग करते थे और बाहर भी प्रयोग करते थे. हमारे यहाँ बात की जाती थी विद्या और अविद्या के, विद्या की यानी अविद्या मतलब जो कि हम भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान हम देखते हैं जिससे कि मानव कष्ट जो है, शरीर के कष्ट दूर हो सकते हैं, सुविधाजनक बना सकते हैं, जीवन में और ज़्यादा भौतिक सुविधाएं इकट्ठा कर सकते हैं. हम शरीर में रहते हैं, व्याधियाँ होती हैं, उन व्याधियों को दूर करने के लिए हम जो है विज्ञान, जो विज्ञान करेंगे वो है भौतिक विज्ञान.
मतलब उस समय एक अलग टर्म नहीं थी, जो बाहर का विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान हम उसको कह सकते हैं, यूरोप उसको प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल हिस्ट्री कहा करता था, और आध्यात्मिक विज्ञान मतलब अध्यात्म हमारा अंदर को, यानी हमेशा से अभिलाषा रही है कि हम उस परब्रह्म के स्वरूप को पहचानें, उससे वार्तालाप करें। तो आध्यात्मिक विज्ञान को हम विद्या कहते थे, और जो ये बाह्य विज्ञान था उसको हम अविद्या कहते थे। विद्या च अविद्या च यस्त द्वेदो भयं सह अविद्या मृत्यु तीर्वा विद्याम अमृतम श्रुते, ये श्लोक है, ये यही कहता है कि हमको दोनों का जानना आवश्यक है, विद्या का भी जानना आवश्यक है, अविद्या का भी जानना आवश्यक है। अविद्या से जो हमारा भौतिक जीवन है उसको हम सुखपूर्वक बनाएंगे, और आध्यात्मिक विज्ञान से विद्या से हम उस मोक्ष जो कि वैदिक धर्म में जिसकी अभिलाषा हर व्यक्ति करता है उस मोक्ष की बात करें। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब कुछ करते थे, वो आध्यात्मिक विज्ञान भी करते थे और भौतिक विज्ञान भी करते थे। हमारे यहाँ रसायन शास्त्र का बहुत बढ़िया ज्ञान था, हालांकि उस समय का रसायन शास्त्र और आज का रसायन शास्त्र बहुत अंतर है। उस समय रसायन शास्त्र का मतलब केवल ये था कि रसायनों के प्रयोग की बात करना। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हंसी भी आएगी कि यूरोप में उस समय मर्क्यूरी के बारे में कोई विशेष बात नहीं करते, पारा जिसे हम कहते हैं, जो आप तापमापी में प्रयोग जिसका करते हैं, तो वो लोग कहते थे कि पारा जो है उसको मूविंग सिल्वर कहा करते थे। पर भारत में बरसों से हमारे जो आयुर्वेद के जो जनक थे या ऋषि मुनि थे जो आयुर्वेद किया करते थे, जो वैद्य थे हमारे, वो पारे का प्रयोग किया करते थे औषधि के रूप में। तो भारत में केमिस्ट्री, यानी कि इसको हम कीमियागिरी कह सकते हैं, उस समय की केमिस्ट्री बहुत अलग है, आज की केमिस्ट्री और अब की पुरानी जो नई केमिस्ट्री उसमें बहुत अंतर है। उस समय केमिस्ट्री जो है वो केवल रसायनों की बात थी, रसायनों को पहचानना, रसायनों के प्रयोग को पहचानना कि उन रसायनों के द्वारा हम कैसे कुछ मनुष्य का भला कर सकते हैं, या मनुष्य को जो जीविका प्रदान कर रहे हैं, मनुष्य को जो जीवन प्रदान कर रहे हैं, खेती है, पशु है, उनकी कैसे हम सेवा कर सकते हैं। रसायनों का केवल मनुष्य से संबंधित ही समय विज्ञान था, रसायनों की पहचान करना, रसायनों के उपयोग की पहचान करना। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो रसायन शास्त्री हुए हैं। आप ये जानते होंगे कि नागार्जुन का नाम सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के बालुका नामक स्थान में जन्मे थे, वो एक बहुत महान रसायन शास्त्री थे, जिनके ग्रंथ जो है जैसे कि रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी और योगासार जैसी जो आयुर्वेद वाली जो किताबें हैं, आयुर्वेद के जो आचार्य जिसका प्रयोग हमेशा करते हैं, तो नागार्जुन के बताए हुए सूत्र का आज भी वैद्य उपयोग करते हैं। तो उन्होंने पूरा औषधियों का, पूरा रसायनों का एक विस्तृत ज्ञान विश्व को दिया था, और उसका उपयोग आज भी उनकी बताई गई औषधियों का, उनके बताए गए रसायनों का उपयोग आज भी, और उनके ग्रंथों को आज भी जो हमारे जो वैद्य हैं वो उसका उपयोग करते हैं। एक बात करें गणित, तो गणित जो है, सबसे बड़ी बात है कि गणित जो होता है वो मैथमेटिक्स जो है वो, मैंने पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स जो है वो विज्ञान के, उसके बिना विज्ञान अधूरा है। तो भारत में आप ये देखिए कि आर्यभट्ट एक कहा जाए तो ऋषि थे, पर आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ने जो है तो एक बहुत बड़े गणित के विद्वान थे। आपने भास्कराचार्य का नाम सुना होगा, भास्कराचार्य जो है वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, बड़ा एक, आप उनका उनके भी उनकी बातें देखिए, उनकी एक लड़की थी, उनकी एक ही बेटी थी लीलावती, तो लीलावती और भास्कराचार्य के बीच में जो वार्ता है उसमें विज्ञान की बातें हैं, उसमें गणित की बातें,
वो आपस में चर्चा कर रहे हैं तो गणित की बात कर रहे हैं और विज्ञान की बात कर रहे हैं। वो लड़की पूछती है, बिटिया पूछती है, बिटिया भी बड़ी विदुषी रही है, वो पूछती है कोई बात पूछती है तो भास्कराचार्य उसको समझा रहे हैं। तो इस तरह के ऋषि थे इस समय। तो भारत ने गणित दिया, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि अगर भारत ने गिनना नहीं सिखाया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। आप लोग सब जानते हैं कि अगर हम गणित की ही बात मैं कर रहा हूं यहां पर, तो शून्य जो है वो सबसे पहले शून्य के बारे में बात की गई भारत में। एक श्लोक है, आप लोग हमेशा जब किसी को यज्ञ करते होंगे और यज्ञ करते समय आप जब या कोई पूजन करते होंगे जब समाप्ति करते हैं तो वो श्लोक है, पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है, और जब पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण पूर्ण कुछ पूर्ण रहेगा और पूर्ण में पूर्ण मिला दो तो पूर्ण ही रहेगा। अब ये श्लोक जो है इसमें ब्रह्म की व्याख्या की गई है कि सब पूर्ण है, सब में ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म को आप अलग नहीं कर सकते, हर जगह ब्रह्म है। पर अगर हम देखें तो ये श्लोक जो है ये शून्य और अनंत के बारे में भी बात करता है। ये कहता है कि ये एक प्रकार से शून्य की परिभाषा है, ये अनंत की परिभाषा है। शून्य से शून्य मिलाओगे तो शून्य ही रहेगा, शून्य से शून्य निकाल दोगे तो शून्य ही रहेगा। वैसे ही अनंत जो है, अनंत में कुछ भी डालोगे तो अनंत ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो श्लोक थे वो कितने गूढ़ अर्थ लिया करते थे। तो हमने शून्य की बात की, आर्यभट्ट जो है वो सर्वप्रथम जिन्होंने पाई की व्याख्या, पाई आप जो विज्ञान जानते होंगे उनको मालूम होगा पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने सबसे पहले गणना की थी, और आज जो हम मान ज्ञात करते हैं वो उससे मेल खाता है। हमने सबसे पहले, सोचिए कितने वर्ष पहले, ना कोई उपकरण थे हमारे पास, आजकल तो आधुनिक उपकरण है, उस समय हमने जो बताया था कि अर्थ की जो पृथ्वी है उसकी परिधि जो है वो कितनी है, 24,835 miles। और आज हम देखें जो आधुनिक विज्ञान है वो कहता है अर्थ की जो पृथ्वी की परिधि जो है वो कितनी है, 24,900 miles। यानी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक समान है। हमने बताया विश्व को कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि आपको मैं बात बताऊं कि जो यूरोप था अंधकार था वहां पर, गैलीलियो जिन्होंने सबसे पहले कोपरनिकस सबसे पहले थे, वहां पर चर्च का विश्वास ये था, चर्च ये कहती थी, चर्च का ये कहना था कि पृथ्वी केंद्रित विश्व है, सूर्य भी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। जब कोपरनिकस ने कहा कि ये गलत है तो जिस किताब में ये बात आई थी कोपरनिकस को, कि वो किताब को बैन कर दिया है। गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, उन्होंने जब देखा कि ये बात है तो उन्होंने जब उसको अपने प्रयोग से देखा, आकाश दर्शन करते थे उन्होंने, टेलीस्कोप बनाया था उन्होंने, दूरदर्शी जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि कोपरनिकस बिल्कुल सही है। और जब उन्होंने ये बातें रखी तो उस समय जो था इतना अंधकार था ज्ञान के प्रति, वहां पर यूरोप में कुछ भी नहीं था, गैलीलियो पर दबाव डाला गया, गैलीलियो से कहा गया कि आप माफी मांगे और उनकी जो किताब थी उसको बैन करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी
तो उनको नज़रबंद कर दिया गया और बूढ़े होकर अंधे होकर गैलीलियो जैसा विद्वान वैज्ञानिक जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ नज़रबंदी में। जबकि हमारे देश में हमेशा से आलोचना को भी स्थान दिया गया है। आप जानते होंगे चार्वाक क्या हुआ करते थे, जो हमेशा उल्टी बात कहा करते थे, पर लेकिन हमने उनको भी निंदक नियरे ना किए, आंगन कुटी छवाए। हम कहते ही हैं कि हमने हमेशा निंदा, हमने आलोचना को स्थान दिया, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा। अगर हम आलोचना को स्थान नहीं देंगे, हम समीक्षा नहीं करेंगे, तो ज्ञान अंधकार ही रहेगा। हमने हमेशा अपने खिड़की दरवाजे खुले रखे, आइए भैया आलोचना कीजिए, जिससे कि हम सुधर जाए। तो भारत ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। हमने वर्ष कितना लंबा होता है ये बताया, हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताया। तो भारत ने एक प्रकार से गणित के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। अगर हम देखें हमारे जो संहिता है और ब्राह्मणम जो हमारे ग्रंथ हैं उनको देखें, तो उनमें गणना के बारे में बात की है। हमने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को गणना करके बताया है, लिख के बताया कि कैसे उनको व्यक्त करेंगे। और तो और हमने 14 अंकों तक की राशि को नाम दिया है, जबकि यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कहीं पर भी नहीं था। उनकी जो गणना पद्धति थी वो बहुत कठिन थी, एबिस्कस जिसको कहते थे वो लोग, वो बड़ा कठिन था। उससे आप आसान नहीं है व्यक्त करना। आप अब लैटिन को ही देखिए, आप लैटिन के अंक को देखिए, तो वो बड़ा मुश्किल है उस, जबकि हमारे यहाँ इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और शून्य, और उसके बाद हमने अलग अलग नाम दिए, 1000, 100, इस तरह से हमने अलग अलग संख्या, बड़ी बड़ी संख्याओं को नाम दिए हमने, लक्ष्य इस तरह से हमने नाम दिए संख्याओं को। तो एक प्रकार से बड़ा आसान है गणना की विधि। तो भारत ने गिनना सिखाया। शुल्ब सूत्र को अगर हम देखें तो उसमें रेखा गणित की बात है। रेखा गणित से बताया है कि यज्ञ की वेदी की कितनी के आकार होना चाहिए। बोधायन ऋषि के शुल्ब सूत्र को अगर हम देखें तो उसमें विधि है कि 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात की गई है। उसमें जो रेखा गणित है वो यूक्लिड के पहले का रेखा गणित है, पर विस्मृति है पूरे देश में। अगर हम किसी से पूछें कि रेखा गणित जो है कहां से आया, कैसे आया रेखा गणित, कहां से आया रेखा गणित, तो कोई भी बच्चा जवाब देगा कि रेखा गणित तो जो है उसको यूक्लिड के पितामह है, यूक्लिड ने सबसे पहले। जबकि मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड जैसा व्यक्ति था ही नहीं, ये एक खड़ा की यूरोप की द्वारा खड़ी की गई हस्ती थी, एक काल्पनिक नाम था। ये आप कह रहे हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, प्रोफेसर C.K. राजू, आजकल मलेशिया में है, विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो। तो वो उन्होंने एक 10 लाख रुपए का एक इनाम रख रखा है। वो 10 लाख रुपए का इनाम इस बात के लिए है कि कोई उनके पास प्रमाण लेके आ जाए, बता दे कि यूक्लिड किस देश में हुए थे, यूक्लिड के जो है वो वास्तविक पात्र हैं। तो आज तक कोई भी क्लेम करने उनके पास नहीं आया। पर विस्मृति ये हम नहीं जानते। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम को पहले हम लोग कहते थे कि पाइथागोरस थ्योरम है भाई ये, जबकि ये बोधायन प्रमेय पाइथागोरस के बहुत पहले जो है, यानी आप सोचिए कि पाइथागोरस जो हुए थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, तो वो 580 ईसा पूर्व हुए थे, जबकि ऋषि बोधायन 800 ईसा पूर्व हुए। यानी आप सोचिए कितने वर्ष पहले, पाइथागोरस के कितने वर्ष पहले जो है ऋषि बोधायन ने
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात की थी। एक पर लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि मुरली मनोहर जोशी जी उस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको बोधायन प्रमेय के रूप में कहा जाए, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही कहलाएगा। तो उन्होंने संदर्भ ढूंढे, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर की एक किताब है जिसका नाम है सिंप्लिसिटी ऑफ साइंस। तो वो कहते हैं कि उस किताब में टेलर साहब कहते हैं कि ये जो है पाइथागोरस का थ्योरम नहीं है, ये बोधायन ऋषि का प्रमेय है। जब ये बात जोशी जी ने बताई, किताब से प्रमाण दिया, तब जाकर लोगों ने माना। जो पाठ्य पुस्तक निर्माण कर रही थी, जो पाठ्यक्रम निर्माण कर रही समिति, उसने ये बात मानी। और तब जाकर अब हम देखते हैं, अगर हम एनसीईआरटी किताबें देखते हैं तो उसमें अब लिखा होता है, बोधायन के बारे में एक जिक्र रहता है और पाइथागोरस बोधायन प्रमेय इसको कहते हैं। तो हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते, हम तब विश्वास करते हैं जब कोई विदेशी आकर हमारा समर्थन करते हैं, ऐसे हम विश्वास नहीं करते। मैंने भास्कराचार्य की बात की, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भास्कराचार्य जो लीलावती के बीच में जो चर्चा है उसमें वो ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। यानी कितने साल पहले भास्कराचार्य हुए हैं, जो उनका युग है वो है 1114 से 1183 CE के बीच में, मतलब क्राइस्ट एरा के पहले वो हुए हैं। वो गुरुत्वाकर्षण के वास्तविक जो है, गुरुत्वाकर्षण के वास्तविक जो खोज की थी वो उन्होंने की थी। अलजेब्रा जो है, बीजगणित जिसे हम कहते हैं, उसको सबसे पहले भास्कराचार्य ने खोजा था। कैलकुलस के बारे में भी बात की थी। एक और कथन आता है, गणित के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक शंकराचार्य जी हुए हैं जिनका नाम है भारती कृष्ण तीर्थ जी, हमारे बीच में अब नहीं है, पुरी के शंकराचार्य। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और अपनी साधना से उन्होंने एक वैदिक गणित की रचना की जिसमें कि 16 मुख्य सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये शुल्ब सूत्र से है। कई जगह विवाद है, इसके बारे में विवाद भी हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि वेदों में इनका नहीं मिलता, जिक्र नहीं मिलता, पर लेकिन उनका ओरिजिन शुल्ब सूत्रों से तो है, ये समझ में आता है। और ये वैदिक गणित जो है ये अपने आप में एक जादू, अगर हम सीखें इसको तो बहुत आसानी से गणित हम कर सकते हैं। अब जब आचार्य के शिष्य जो हैं वो चाहते थे कि वैदिक गणित के ऊपर जो है कोई किस किताब निकले, कोई पुस्तक निकले, तो वो सबसे पहले गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जो है गणित ऊपर के गणित के बारे में, जो गणित के बारे में काफ़ी वहाँ शोध होता रहा है, जो जितना भी सैद्धांतिक विज्ञान है उसके बारे में वहाँ पर हमेशा शोध होते रहे हैं। तो वो वहाँ गए और उनसे कहा कि भाई ये वैदिक गणित है, ये स्वामी जी ने ज्ञात किया है अपनी साधना से, तो इसको किताब के रूप में प्रकाशित कीजिए। TIFR ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई,
ये सब बेकार की बात है, ये कोई अर्थ नहीं है इसका, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम विश्वास नहीं करते। उसके बाद एक गणितज्ञ हुए हैं अंग्रेज, निकोलस, उन्होंने कहा कि ये गणित नहीं है, ये जादू है। और गणित नहीं है ये जादू है, इसकी हेडलाइन बनाकर जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला, तब जाकर लोगों ने कहा कि हाँ भाई, वैदिक गणित को हम स्वीकारते हैं। तो वैदिक गणित को अगर हम देखें तो वैदिक गणित का ओरिजिन हमारे लिए है। चलिए, गणित की बात की हमने, मैंने आपको भौतिक शास्त्र के बारे में बताया बहुत कुछ जो भी हमारे पुराने ज्ञान से है। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करें हम, तो हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। आचार्य सुश्रुत को जो इंग्लैंड की सबसे प्रमुख संस्था है चिकित्सकों की, उन्होंने कहा कि विश्व के प्रथम प्लास्टिक सर्जन जो थे वो आचार्य सुश्रुत थे, पहले शल्य चिकित्सक, विश्व के पहले शल्य चिकित्सक जो थे वो आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत, आप सोचिए कि शल्य चिकित्सा का उनको बहुत ज्ञान था, और उनकी जो संहिताएं हैं उनको देखेंगे आप, उनका जो ज्ञान को देखेंगे तो उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे सर्जरी की जाए, प्लास्टिक सर्जरी की जाए। मैं भी देखता रहता हूँ, चीज़ों को देखता रहता हूँ, गूगल बहुत अच्छा सोर्स है, किताबें मेरे पास हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो उसमें आप देखिए कि बड़ा एक जो विधि बताई गई है कैसे जो है, एक उन्होंने जो है किसी की अगर नाक खराब हो चुकी है, टूट गई है, आप ये जानते हैं कि चेहरे पे अगर नाक बुरी लगती है तो चेहरा जो है बुरा लगेगा, तो नाक को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे बनाया जाए, उसका पूरा उन्होंने एक विधि बताई हुई है। एक बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है कि 1792 में टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अब एक गाड़ीवान था जिसका नाम था कवासकी, आपको मालूम होगा कि सारथी जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े योग्य होते हैं। सारथी अगर योग्य है, जो ड्राइवर है, जैसे आज के युग में जैसे ड्राइवर सही है तो युद्ध में भी अगर वो जो तोप गाड़ी चला रहा है वो अगर सही तरीके से उसको मालूम है, युद्ध नीति अगर पता है, तो निश्चित तौर पर युद्ध में विजय होगी आपकी। उसको चौकन्ना भी होना होगा, उसको होशियार भी होना होगा, उसको युद्ध नीति का जानकार भी होना होगा। तो ऐसा ही एक गाड़ीवान था कवासच। तो टीपू सुल्तान के जो 1792 में जो युद्ध हुआ मराठाओं के साथ में, उसमें मराठाओं के साथ में कवास जी करके एक था। अब उसकी नाक जो थी वो उस पर चोट लग गई और नाक जो है उसकी खराब हो गई, टूट गई। अब क्या किया जाए, घायल भी था और नाक भी चोट लग गई थी, तो उसको एक कुम्हार के पास, पुणे के पास एक कुम्हार था, तो वहाँ पर ले जाया गया। उस कुम्हार ने उसकी नाक को सही कर दिया सर्जरी के द्वारा। आप लोग सोचेंगे, हंस रहे होंगे इस बात में कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा कि हम जब तक के अंग्रेज या कोई विदेशी हमें कहता नहीं है तब तक हम विश्वास नहीं करते। तो इस सर्जरी की पूरी रिपोर्ट दो डॉक्टर हुए हैं, थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले, उन्होंने मद्रास गजट में इसकी रिपोर्ट कोई बनाई कि सर्जरी कैसे की गई। और एक प्रसिद्ध मैगजीन उस समय होती थी जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी, जेंटलमैन, उसमें ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो आप ये समझिए कि सर्जरी का ज्ञान इस देश में था।
हमारा आयुर्वेद बहुत सक्षम है। आज भी हम देखते हैं कि आयुर्वेद की सहायता से, आयुर्वेद में चरक संहिता जैसे हम अगर देखें, अगर चरक आचार्य चरक जो थे उन्होंने आयुर्वेद को दिया, आचार्य सुश्रुत का जो योगदान है, अगर हम आज भी देखें तो आयुर्वेद बहुत सी समस्याओं की जड़ को दूर कर सकता है। आज हम कोविड से लड़ रहे हैं, पूरे देश को ठप हो गया है, पूरा देश, पूरा विश्व ही ठप हो चुका है, पर ऐसी स्थिति में अगर हम आयुर्वेद द्वारा सुझाई गई दिनचर्या को अपनाएं तो निश्चित तौर पर हम कम से कम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ा ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दिलाऊँगा कि आयुर्वेद के द्वारा अभी जो कुछ दवाइयाँ अगर आई हैं मार्केट में तो उससे कोविड का इलाज हो जाएगा, मैं नहीं कह सकता ये बात। पर लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम आयुर्वेद को दिनचर्या में लें और हमारे घरेलू उपचारों को देखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो खून में रहा है, ये ज्ञान हमारे यहाँ खून में रहा है, आयुर्वेद घर घर में है, तुलसी का उपयोग हम घर घर में करते रहे, नीम का उपयोग हम घर घर में करते रहे, हल्दी का उपयोग हम घर घर में करते रहे, तो अगर हम आयुर्वेद द्वारा सुझाई गई दिनचर्या को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी होगी, और जब प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर यह कोविड जो है घातक रूप नहीं ले पाएगा। चलिए हम बात करें रॉकेट की। मैं सीधे से आयुर्वेद से आपकी आधुनिक युद्ध शस्त्रों की बात कर रहा हूँ। रॉकेट सब कुछ है, रॉकेट का जो है, रॉकेट ही क्या है, रॉकेट मिसाइल, रॉकेट ही मिसाइल मतलब प्रक्षेपास्त्र, रॉकेट ही जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, रॉकेट वो है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। रॉकेट प्रक्षेपास्त्र के रूप में भी है, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में भी है, पर ये रॉकेट आया कहाँ से? तो रॉकेट का बेसिक ज्ञान है वो चीन के पास भी था और भारत में पहले से भी था। टीपू सुल्तान की तलवार की धार तो आप सब जानते होंगे। टीपू सुल्तान ने बहुत बहादुर योद्धा था, उसके पिता भी बहुत बहादुर योद्धा थे, मैसूर के सुल्तान जो थे, पिताजी हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों एक अच्छे जीवट वाले योद्धा हुए हैं। तो टीपू सुल्तान ने जो है अपने अंग्रेजों के खिलाफ जो उनका युद्ध हुआ, उसमें रॉकेट का उपयोग किया, सबसे पहले रॉकेट का उपयोग किया टीपू सुल्तान ने, रॉकेटों का सबसे पहले उपयोग किया। अब अंग्रेजों को कि सब जब पहली बार जब युद्ध हुआ श्रीरंगपट्टनम में 1792 में, संख्या में कम थी, अंग्रेजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर रॉकेटों की जब मार पड़ी, टीपू के बनाए गए रॉकेटों की जब मार पड़ी तो उससे अंग्रेजों को भागना पड़ा, अंग्रेजों ने हारना पड़ा, अंग्रेजों 1792 का जो युद्ध है वो अंग्रेजों को हारना था। ये बाद में अलग है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने फिर बाद में जीता, विजय पाई टीपू सुल्तान से, वो अलग घटना है। तो 1792 में रॉकेटों की मार के कारण इतनी बड़ी सेना को, अंग्रेजों की सेना को हार माननी पड़ी। अब इस रॉकेट को, इन रॉकेटों को अंग्रेजों ने जब देखा और उस रॉकेट को वो अपने यहाँ ले गए, रॉकेटों को ले गए और उन्होंने एक प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग, आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं, खोल लेते हैं उसको, देखते हैं कैसी बनी, कैसे बनाया गया ये, और फिर से वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेजों ने यही किया, वो रॉकेट अपने यहाँ ले गए और उस रॉकेट को उन्होंने
उन रॉकेट्स को उन्होंने देखा और रॉकेट्स को देखकर उन्होंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। विलियम कॉनग्रेव नामक सेनानायक थे, उन्होंने ये किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, और उसके बाद उस रॉकेट में सुधार कर दिया। उन रॉकेटों को सुधार करके उसका उपयोग किया और उसका उपयोग जो है, आप ये जानते हो कि अमेरिका भी पहले परतंत्र था, अंग्रेजों का राज था वहाँ पर, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उपयोग किया गया है। और आज भी जो है अमेरिका का जो राष्ट्रगान है उसमें एक पंक्ति है, द रॉकेट्स रेड ग्लेयर। तो ये जो रॉकेट थे जो विलियम कॉनग्रेव टीपू से उठाकर, टीपू के युद्ध मैदान से, टीपू से 1799 में हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे 1799 में, और जब वहाँ की जो रॉकेट उठा के ले गए ये, और रॉकेट को उठा के जब इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो वो जो रॉकेट जो अमेरिका में उपयोग किए इन्होंने, उसके बाद इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ भी जो उपयोग किए, उन रॉकेट का मूल स्रोत था टीपू सुल्तान के रॉकेट यानी भारत। और ये बात जो है मैं नहीं कह रहा, फिर मैं आपको इसका संदर्भ बताऊंगा। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं सर बर्नार्ड लॉवेल, उनकी किताब है द ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बताऊं कि जो अंतरिक्ष की खोज है उसका जो अर्थशास्त्र है, उसके जो मूल स्रोत है, इसके बारे में इस किताब में लिखा है। तो अंतरिक्ष की खोज जो है वो बिना रॉकेट के संभव नहीं। तो उन्होंने रॉकेट के विज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने ये बताया है कि वास्तविक तौर पे जो अंग्रेजों ने जो रॉकेट का प्रयोग किया था वो वास्तविक तौर पे भारत के रॉकेट थे। आज हम ये जानते हैं कि रॉकेट से तो बहुत कुछ हो चुका है, रॉकेट का विज्ञान भारत में भी काफ़ी आगे बढ़ गया है, हमने मंगलयान भेजा, चंद्रयान भेजा, हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, ये तो बात की बात है। पर लेकिन हाँ, ये जरूर था कि रॉकेट का ज्ञान इस देश में था। देश में बहुत कुछ था पर विस्मृति हावी रही। हम लगातार 1500 वर्ष तक हमारे पर हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं, 1500 वर्ष तक लगातार हमें विदेशी राज करते रहे। उसके कारण लगातार जो है एक राष्ट्र की जो भावना थी वो खत्म हो गई। हमारे वो सब सोर्सेस जिनमें हमारा ज्ञान था उनको नष्ट किया गया, और निरंतर ये आक्रमण जो है उन्होंने हमारी जो गुलामी हमने सही उसने हमारी बुद्धि पर भी असर किया। हम आगे बढ़ते रहे, बहुत आगे बढ़ते रहे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहे, पर अंग्रेजों के आने के बाद हम नहीं बढ़ पाए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो है जहाज़ों का निर्माण के बारे में भी बहुत बहुत बड़ी बात की गई है कि जहाज़ों का निर्माण हमारे यहाँ जो है जहाज़ बड़े बड़े जहाज़ निर्माण होते थे हमारे यहाँ। एक उदाहरण है कि चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें समय की का भी ध्यान देना है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे रहे और वैज्ञानिकों ने किया भी, पर बाद में जब जैसे आधुनिक विज्ञान आया 1895 के बाद, तो उसके बाद जो है हम पिछड़ते चले गए, देश गुलाम था। पर उसके बाद भी कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया। आधुनिक विज्ञान 1905 के बाद आधुनिक विज्ञान आया जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने शोध पत्र दिए। पर हमारे यहाँ ऐसे वैज्ञानिक रहे
जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के काल में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें से कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे जगदीश चंद्र बसु। अब जगदीश चंद्र बसु के बारे में बात करते हैं, तो जगदीश चंद्र बसु जो थे उन्होंने बेतार की तार, जो बेतार का तार जो था उसके बारे में खोज की थी। उन्होंने जो उपकरण था जिसको कोहरर कहते हैं उन्होंने बनाया था, और सूक्ष्म तरंगों के संचार का एक तरीका खोजने की कोशिश की थी, और किया था उन्होंने संचार का किया था। पर लेकिन ये था कि किसी तरह का कोई उस समय उन्होंने ना पेटेंट की कोशिश की ना उन्होंने उस चीज़ को प्रकाशित करने की कोशिश की। मार्कोनी, अगर हम बात करें तो अगर हम किसी से भी पूछें, किसी बच्चे से पूछें कि बेतार की तार जो है संचार की, जो बेतार की तार की जो विधि है, संचार करने की विधि है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में संचार हो रहा है, आज हम जो देख रहे संचार हो रहा है, इस संचार का जनक कौन है, तो लोग कहेंगे मार्कोनी। और मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। पर मार्कोनी का कोई बेसिक साइंस का उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। मार्कोनी जो था वो एक प्रकार से एक साइंस एक्टिविस्ट थे। मार्कोनी एक साइंस एक्टिविस्ट थे, तो घर में बैठकर साइंस में रुचि थी तो साइंस को पढ़ते थे, कुछ चीज़ें जोड़ तोड़ के बनाने की कोशिश करते थे, कुछ नई खोज करने की कोशिश करते थे। पर जब सफल पहला संकेत उन्होंने भेजा, उस संकेत को भेजने के बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला, पर लेकिन जब लोगों ने पूछा उनसे कि आपने किस कोहरर का, कोहरर जैसे मैंने बात की कि जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले कोहरर का यंत्र बनाया था, तो जब उनसे पूछा जाता कि आप ये बताइए कि आपने कौन से कोहरर के प्रयोग के द्वारा ये बेतार के तार की खोज की, तो वो टालते रहे। बोले मैंने बहुत से कोहरर बनाए थे, मुझे पता नहीं है कि कौन सा कोहरर। बहुत सालों बाद अब जाकर जो है कुछ वर्ष पहले उनके जो नाती जी मार्कोनी, उन्होंने कहा कि मेरे परदादा झूठ बोलते थे, मेरे दादा जो हैं वो झूठ बोलते थे, झूठ कहते थे मेरे दादा। जगदीश चंद्र बसु के ही कोहरर के द्वारा उन्होंने ये प्रयोग किया था, खोजा जगदीश चंद्र बसु ने और लाभ मिला किसको, मार्कोनी। पर लेकिन हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक रहे हैं, हम मैंने प्राचीन युग की बात की, मैं अब आधुनिक युग की बात कर रहा हूँ, तो जो भी वैज्ञानिक हुए हैं हमारे यहाँ, वो उन्होंने कभी किसी प्रसिद्धि के लिए या किसी धन के लिए काम नहीं किया, पेटेंट के लिए काम नहीं किया। गैलेना रिसीवर उन्होंने बनाया, आज भी उस गैलेना रिसीवर पे बेस बहुत से उपकरण हैं। तो जगदीश चंद्र बसु ने, उस समय वैज्ञानिक जो थे जगदीश चंद्र बसु जैसे थे भौतिक शास्त्री, पर लेकिन उसके बाद वो जीव विज्ञान में भी काम करते थे। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पौधों में, वनस्पतियों में भी जीवन होता है, और उसका प्रदर्शन उन्होंने रॉयल सोसाइटी में किया। दो वैज्ञानिक थे वहाँ पर, दो वनस्पति वैज्ञानिक थे, जब उनको मालूम पड़ा कि रॉयल सोसाइटी में जगदीश चंद्र बसु जो हैं वो अपना प्रयोग कर रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि सभी में, हमारे यहाँ ये मूल धारणा है कि जीव हो चाहे निर्जीव, सभी में ब्रह्म होता है, सभी में ईश्वर है, इसी बात को उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन है। तो जब दोनों वैज्ञानिक आपस में बात करें कि चलो चलते हैं देखते हैं कि आज जगदीश चंद्र बसु आए हुए हैं रॉयल सोसाइटी में, और उनका वहाँ के जो सबसे बड़े हॉल में उनका वो हो रहा है, भाषण हो रहा है, और प्रदर्शित करेंगे कि सभी में जीवन है, आइए चलते हैं देखते हैं। तो
साथी वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं भाई मत बच जाइए, वहाँ क्या करोगे जाकर, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, मैंने दिन में शराब नहीं पी हुई है, वहाँ क्या करना है। बोले चलते हैं देखते हैं मजा लेंगे। जब जगदीश चंद बसु ने पूरा प्रयोग किया तो पूछा, प्रयोग और भाषण के बाद पूछा कि बताइए कोई शंका है क्या। हॉल पूरा तालियों से गूंज उठा और वही महाशय जो मजाक उड़ा रहे थे वो खड़े हुए और बोले कि आप वंदनीय हैं जगदीश चंद बसु जी, आपने कुछ जब सुना मैंने तो कोई शंका नहीं। तो इस तरह के वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद बसु। कहते थे मेरे बचपन के नायक कर्ण की तरह मेरा जीवन भी हमेशा संघर्षों से भरा रहा है और अंत तक ऐसा ही रहना चाहिए। मनुष्य को परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने की बजाय उन्हें स्वीकार करके उनका सामना करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जगदीश चंद बसु जो थे पूरा जीवन विज्ञान पे लगाया, कभी पेटेंट नहीं किया। बहुत सी मैंने जैसे बताया कि भौतिक शास्त्री होने के बाद भी जीव विज्ञान में भी काम करते रहे। पूरा जीवन विज्ञान की सेवा में लगाया। जब उनसे कहते थे कि आप पेटेंट क्यों नहीं कराते, इतनी खोजें की हैं आपने, वो भी सब खोजें कैसी की, जो उपकरण जो बनाए वो उपकरण कैसे बनाए, घर की रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं या जो कबाड़ होता है उसका उपयोग करके, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय ना प्रयोगशालाएँ थी ना कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, हम गुलाम थे। मैंने पहले ही बताया कि शिक्षण तंत्र कुछ भी नहीं था उस समय। टीचर जो थे आपका एक तो और तो और जो है पूर्णतः अंग्रेजों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्ति मिलती थी, प्रोफेसर पद नहीं मिलता था उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। पर ऐसे युग में भी ये लोग काम करते हैं। एक और महानुभव हुए हैं आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस। आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस जैसे कि जगदीश चंद बसु, वैसे ही आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस ने भी पूरा जीवन लगाया और कई क्षेत्रों में काम किया। मुद्रा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हर क्षेत्र में काम किया उन्होंने। और इतना काम करने के बाद केवल 25 शोध पत्र केवल निकले, जबकि आज हम लोग देखते हैं, जो कि शिक्षक हैं वो देखते हैं कि शोध पत्र पहले निकलते हैं, खोज बाद में होती है। पर जब सत्येंद्रनाथ बोस ने इतने जीवन में केवल 25 शोध पत्र लगाए। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो भौतिक शास्त्र के लोग जानते होंगे, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। उन्होंने मतलब उनके नाम से आइंस्टीन का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी जो खोज की, जो थ्योरी दी, सिद्धांत दी, उनके नाम से कण भी है, बोसान उसको कहते हैं। मैं पूर्णतः साइंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं। मैं खुद भौतिक शास्त्र का शिक्षक हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, और चूंकि मैं विज्ञान लोक व्यापीकरण बहुत वर्षों से कर रहा हूँ तो मैं आपसे इस विषय में बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं आपको एक विज्ञान का लोक व्यापीकरण करने वाला व्यक्ति विज्ञान के कई विषयों को जानता है। पर उन्होंने अपनी जो शोध था, जो अपनी थ्योरी थी, वो आइंस्टीन के पास दी। आइंस्टीन ने उस सिद्धांत में थोड़ा सा सुधार किया और सुधार करके वो जो सिद्धांत है वो आज भी पथ प्रदर्शक है। तीन तरह की सांख्यिकी होती है, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दूसरी है बोस आइंस्टीन, तीसरी है फर्मी डिराक। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी आज भी उतना ही विज्ञान का मार्गदर्शन कर रही है जितना पहले थी। और उनके कण का नाम बोसान। विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण बात है, विज्ञान को एक और महत्वपूर्ण बात हम कहते हैं कि विज्ञान हमेशा कोशिश करता रहा है कि अलग अलग सिद्धांत की हम बात करते हैं, विज्ञान हमेशा कोशिश करता रहा कि हम एक ही सिद्धांत के द्वारा सभी चीज़ों को समझा दें। खासकर भौतिक शास्त्री इस बात की बात करते हैं, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी,
तो यूनिफाइड थ्योरी के बारे में भी ये करते रहे बोस, जगदीश ऐसे सत्येंद्रनाथ बोस ने अपना खोज करते रहे। कुछ तैयारी भी, बहुत सी तैयारी उन्होंने कर ली थी, और अल्बर्ट आइंस्टीन से, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना वो मेंटर मानते थे, अपना पथप्रदर्शक मानते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन से राय लेने के लिए उसको भेजने की तैयारी कर रहे थे, पर काल का बुलावा आ गया और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो इस पृथ्वी को छोड़कर अनंत यात्रा पे निकल पड़े। तो सोचिए किस तरह के बंध होते हैं गुरु और शिष्य के बीच में। एक प्रकार से मेंटर जो इतने दूर बैठा हुआ है, उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को फाड़ के सीख लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कहता है। वैज्ञानिक जो होते हैं वो पूरा जीवन लगाते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, भावना पे शब्द का पहरा कड़ा है, बोझ हर कर्तव्य का सर पर चढ़ा है, देवता मुझको कहा जब जब किसी ने, एक नया दुख मुझको तभी सहना पड़ा, एक नया दुख मुझको तभी सहना पड़ा। वैज्ञानिकों का जीवन भी ऐसा ही होता, पूर्ण जीवन लगाते हैं। ज्ञान की राह बहुत कठिन है, ये चाह नहीं होती कि कोई मुझे प्रसिद्धि दे। जो सही ज्ञान के राही में निकला, ज्ञान की राह में निकला हुआ व्यक्ति होता है, उसको प्रसिद्धि की चाह नहीं होती, उसे तो केवल अंधकार को दूर करना होता है, वो नव क्षितिज को तय करना चाहता है, वो चाहता है कि अज्ञान विश्व से दूर हो, अज्ञान विश्व से दूर हो, उसकी ये चाह है। तो इस तरह के वैज्ञानिक भी होते हैं कि अपने जीवन को तपाते हैं, कष्ट सहते हैं। जिसने भी ज्ञान, उसने सबसे पहले कष्ट सहा। देवता मुझको कहा जब जब किसी ने, एक नया दुख मुझको तभी सहना पड़ा है। ये जब भाव पैदा होते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो ये तब होता है जब देव पुरुष, तब होता है जब वो खुद आग में तप के निकलता है। तो ज्ञान की राह ऐसी ही। हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों की। ये विषय बहुत लंबा है, इसको कितना विस्तार दिया जा सकता है। प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य पी सी राव, आचार्य सब समकालीन वैज्ञानिक हैं। अब आचार्य पी सी रॉय जो हैं, आचार्य पी सी रॉय जो हैं वो भी, उनको भी अगर हम देखें तो आचार्य पी सी रॉय जो थे वो एक महान रसायन शास्त्री थे, एक महान शिक्षक, और लोग उनको दूसरा गांधी भी बोलते थे। वही खद्दर पहनना, वही खड़ाऊ पहनना, पूरा जीवन उन्होंने विज्ञान में लगाया। जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उस कॉलेज, उनका लैब जो था प्रेसिडेंसी कॉलेज का, जो उनका ऊपर का लैब था, जो लैब था उसके ऊपर का कमरा में ही वो रहते थे। उस कॉलेज ने कहा कि आप जीवन भर यहीं रहिए। उनकी शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था, उनका परिवार उनके बच्चे थे, बच्चे मतलब जो उनके विद्यार्थी, वो उनके, उन्होंने सबसे पहले जो है अमोनियम नाइट्रेट और मर्क्यूरियस नाइट्रेट बनाया, इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। विद्यार्थियों से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो कहते थे विद्यार्थी उनको और वो विद्यार्थियों को बच्चों समान मानते थे। अपनी जो आय थी उससे विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी थे उनकी मदद किया करते थे, क्योंकि परिवार कुछ कोई भी नहीं था, कोई परिवार उनका नहीं था। वो कहते थे अपने विद्यार्थियों के लिए कि मेरे और उनके बीच ऐसा बंधन विद्यमान है जो रासायनिक बंधनों के समान ही प्रखर और गूढ़ है। सोचिए केमिकल बॉन्डिंग जो रिलेशन है वो इतने मजबूत हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कम पैसे थे, 600 रुपए करीब रहे होंगे उनके पास,
देखा उन्होंने कि भारत में जो है औषधियाँ बाहर से आती हैं, रसायनों का निर्माण नहीं होता, कोई उद्योग है नहीं भारत में। तो उन्होंने हिम्मत देखी कि लगभग 600 रुपए में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयास किया कि भारत में एक रासायनिक उद्योग स्थापित हो। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसको उन्होंने स्थापित किया। बहुत कम पैसे थे, 600 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, उससे उन्होंने इतना बड़ा उद्योग बनाया, शुरू किया। और भारत में सबसे पहला रसायन का उद्योग और औषधियों का उद्योग ये बना। इसके अलावा जीवन भर शिक्षा शिक्षा करते रहे, शिक्षक रहे, तो उन्होंने जो है विज्ञान के लिए एक पूरी किताब दी, रसायन विज्ञान के लिए, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जो थी वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो ग्रंथ है वैज्ञानिकों के लिए, कि वैज्ञानिक चाहे तो उसको, जितने भी रसायन विज्ञानी हैं वो उसका, उसके द्वारा जो है आज भी उसका उपयोग करते हैं। वो एक प्रकार से रामायण और भागवत है वैज्ञानिकों के लिए। तो इस तरह का विज्ञान हमारे देश में है कि हम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के वंशज, हम जगदीश चंद्र बसु के वंशज, हम सीवी रमन के वंशज, पर उसके बाद भी वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विस्मृति है। उनकी जो किताब थी राय साहब की, लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए बंगाली केमिस्ट, ये भी अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है कि जो बताता है कि किस तरीके से हम एक शिक्षक का जीवन कैसा। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत कुछ किया उन्होंने, पूरा जीवन लगा दिया रसायन शास्त्र की सेवा में और देश की सेवा में। ये व्याख्यान मैंने जैसे बताया कि इसका विषय का कोई अंत नहीं है। चलिए कुछ छोटी सी बातें और भी लोगों के बारे में बताऊं मैं। आचार्य सीवी रमन, आचार्य सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला, और 1930 के नोबेल पुरस्कार के बाद किसी विशुद्ध भारतीय को अभी तक नोबेल पुरस्कार विज्ञान के विषय में नहीं मिला। जिनको भी मिला है वो भारत के नहीं, विदेश के नागरिक थे। ठीक है, मूल उनका भारतीय होगा, पर लेकिन सीवी रमन ने 1928 में विज्ञान की रमन प्रभाव की खोज की, 28 फरवरी 1928 को। 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आप सोचिए कि 1922 या 1923 की बात रही होगी, 24-25 साल के सीवी रमन रहे होंगे उस समय, 25 साल या ज़्यादा 28 साल के रहे होंगे। उस उम्र में उनको निमंत्रण दिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में भाषण देने के लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक संस्था है, विश्व के सारे वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों के सामने एक युवा डंके की चोट पे कह रहा है, पूरी बुलंद आवाज से कह रहा है, उन्होंने दावा किया था कि मैं 5 साल में, 1923 की बात है ये, कि 5 साल में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार ले आऊंगा। और जो दावा उन्होंने किया था उसको चरितार्थ भी किया, 1928 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव ऐसा है कि जिसका आज भी उपयोग हो रहा है। जो लेजर के आने के बाद रमन प्रभाव तो इतना ज्यादा हो गया है कि अपराध विज्ञान में भी उसका उपयोग होता है, औषधि विज्ञान में भी उसका उपयोग होता है। चिकित्सक जो है, हम चाहें तो इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि हम जो ब्लड टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट के लिए जरूरी ना हो, हम रमन प्रभाव के द्वारा हम पता लगा सकें कि आपके ब्लड में क्या है। नार्कोटिक्स में जो लेजर लेजर के जो स्कैनर्स हैं, लेजर बेस्ड स्कैनर्स हैं, वो रमन प्रभाव पे काम करते हैं, वो बता सकते हैं कि कोई चुरा के कोई सामान तो नहीं लेके आ गया जो कि अवैध हो। तो इस तरह का काम जो है सी वी रमन ने किया, और आज भी उनके बराबर का कोई व्यक्ति नहीं। अगर हम श्रीनिवास रामानुजन की बात ना करें, जो केवल 33
साल लेकर आए थे। ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद भी इसी समान की उम्र के थे और रामानुजन। तो रामानुजन 33 साल की उम्र लेके आए थे, पर रामानुजन ने 33 साल की उम्र में क्या नहीं किया। एक गरीब परिवार में जन्मे थे, ब्राह्मण परिवार था, अगर पर लेकिन गणित में बहुत इंटरेस्ट था। यहाँ पर क्योंकि मुझे पता नहीं कि गणित के लोग हैं या लाइव हैं, वो कितने लोग हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता, पर लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको कि गणित उनका एक पैशन था और ईश्वर पे आस्था भी बहुत ज़्यादा थी। वो कहते थे, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। अंकों को वो ईश्वर से जोड़ते थे। बहुत कुछ काम किया, गरीबी बहुत ज्यादा थी। एक जगह वो लिखते हैं कि व्हेन फूड इज ए प्रॉब्लम हाउ कैन आई फाइंड मनी फॉर पेपर, आई मे रिक्वायर 4 रिंग्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। यानी उनको लगातार गणित गणित की जो विभिन्न समस्याएं थी उनको वो सॉल्व करते रहते थे, लिखते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। उनको इतने पेपर चाहिए होते थे, 4 रिम पेपर चाहिए होते थे हर महीने। घर में खाना नसीब नहीं था तो कैसे पाएंगे, वो ही लिख रहे हैं। पढ़ते रहे पढ़ते रहे। गणित कोई पहले बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, कुशाग्र बुद्धि तो हमेशा से रहे, पर लेकिन आगे भारत की शिक्षण व्यवस्था ऐसी थी कि आप गणित के साथ साथ, ऐसा नहीं कि आप गणित में ही पास हो जाएंगे, आपको दूसरे विषय में भी लेना पड़ेगा। दूसरा विषय में उनको कोई पसंद नहीं था, तो हायर सेकेंडरी के बाद उनकी उनको दिक्कतें पढ़ने में आने लगी। किसी तरह से नौकरी मिली, अकाउंट पोस्ट ऑफिस मद्रास के पोस्ट ऑफिस में उनको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। गणित करते रहे, जो कुछ भी उन्होंने सॉल्व किया था उसका एक जो सिद्धांत था, उन्होंने एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए GH Hardy, उनको लिख के भेजा और कहा कि भाई मैं एक छोटा सा बाबू हूँ, गणित का एक एक्टिविस्ट हूँ, गणित के बारे में हमेशा गणित मेरी रुचि रही है, ये मैंने कुछ इक्वेशन सॉल्व किए हैं, उनको देखिए आप कि मैंने सही किए हैं, इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। जब हार्डी के पास वो पत्र पहुंचे, वो इक्वेशंस पहुंचे, तो वो चमत्कृत हो गए कि इतना बड़ा गणितज्ञ। तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रयास करके जो है उनको बुलाया, अपने पास बुलाया और फिर इंग्लैंड बुलाकर फिर वहां पर एक नया रामानुजन का जन्म। हार्डी ने मदद की, वो वहाँ रहे, वहाँ रहकर उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत प्रगति की और आगे बढ़े गणित के क्षेत्र में। हार्डी एक खुद बहुत बड़े महान गणितज्ञ हुए हैं। जब उनसे कोई पूछता रहा कि आप बताइए कि आपने जो विश्व में जो गणितज्ञ हैं उनका आपने जो मापन किया है, उनकी योग्यता का जो मापन किया है, उसके अनुसार आप क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो योग्यताएं हैं गणितज्ञों की, मैं अभी जब देखता हूँ विश्व में जब गणितज्ञों की योग्यता देखता हूँ, तो मुझे ऐसा, वो 100 में से अपने आप को तो 25 अंक देते हैं, एक और गणितज्ञ लिटिल वुड उनको वो 30 अंक देते हैं, हिलबर्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए उनको वो 80 अंक देते हैं, मतलब खुद को दे रहे हैं 100 में से 25 अंक, लिटिल वुड को 30 दे रहे हैं, हिलबर्ट को 80 दे रहे हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि आप रामानुजन जी को कितने अंक देंगे, तो वो कहते हैं 100 में से 100। तो GH Hardy ने एक छुपे हुए तमिलनाडु के मद्रास के ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक गरीब युवक जिसकी गणित में बहुत रुचि थी, अगर रामानुजन का परिचय हार्डी ना करवाए होते तो विश्व जो है आज गणित रामानुजन के बारे में नहीं जानता। रामानुजन, मैंने जैसे बताया आपकी, वो पेपर्स में लिखा करते थे एक तरह से, बाद में उनका उनकी किताबों को, जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी किताबों को संकलन किया गया और उससे किताब, उससे जो है बुक्स, एक जो है किताबें पब्लिश की गई जिनको कहते हैं कि कटी फटी नोटबुक,
उनको जो है चार किताबें हैं उनको जो है निकाला गया है। उन किताबों में उनका उनने जो कुछ भी खोज किया वो सब कुछ है, और उनकी जो खोज है वो आज भी आधुनिक विज्ञान भी यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिना गणित के विज्ञान नहीं होता, तो आज जो है जो विज्ञान उस समय नहीं था, जैसे कि हम कण भौतिकी की बात कर रहे हैं, तो कण भौतिकी में आज भी जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स इतना आगे नहीं बढ़ी हुई थी, नाभिकीय भौतिकी, उसमें उनका उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही मज़ेदार घटना उनके बारे में है, बड़ा लगता है कि देखिए आप गणित के बारे में कितनी बात करते होंगे। बीमार थे क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का जैसे कर्म होता है कि पूजन पाठ करना, सुबह स्नान करना, वैष्णव जो होते हैं वो मांस मदिरा से दूर होते हैं, पूरी तरह से शाकाहारी खाना खाते हैं, किसी तरह के कोई भी तामसी व्यंजन को नहीं लेते हैं। तो ऐसे थे रामानुजन। अब इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड का ठंडा वातावरण, रहने वाले तमिलनाडु के मद्रास के, वहाँ गए तो बीमार पड़ने लगे। एक तो वैसे भी पालन पोषण भी अच्छा नहीं था, तो जिनका बचपन कमजोरी में बीतेगा तो उनका युवावस्था भी कमजोरी में ही रहेगी। जब वहाँ गए तो वहाँ पर बीमार पड़ गए। तो जब उनसे जो हार्डी मिलने आए, बहुत तेज़ बुखार में थे, ऊपर के फ्लैट में रहते थे, तो हार्डी उनसे मिलने आए, हार्डी मिलने आए पूछने के लिए कि भाई कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी। तो जब वो मिलने आए हार्डी से, तो हार्डी ने पूछा कैसे हैं आप, तो पहले ये बताइए कि आपकी जो आप जिस टैक्सी में आए हैं उस टैक्सी का नंबर क्या है, उस गाड़ी का नंबर क्या है। तो बोले रामानुजन क्या करोगे आप उसका नंबर को जानते, वो नंबर कोई मतलब का नहीं है। इन्होंने बोले बताइए मुझे नंबर कितना है। उन्होंने कहा कि वो नंबर है 1729, बेकार सा नंबर है। वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेकार सा नहीं, ये एक ऐसा नंबर है जिसको कि दो अलग अलग नंबरों के क्यूब के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 और 12 का अगर हम क्यूब करें तो वो हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 और 10 को अगर हम क्यूब करें तो घन करें तो उनको जोड़ें तो 1729 आ जाएगा। और फिर ये मैजिक स्क्वायर्स जो है उनको और उन्होंने आगे भी बताया कि भाई ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बातें जो हैं, मतलब सोचिए कि एक बीमार व्यक्ति है वो गणित के बारे में क्या सोच रहा है। जो मैंने पहले ही बताया कि वो जो कहते थे कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी अंक मेरे लिए ईश्वरीय संकेत है। और आज भी उनकी खोज जो है, उनकी जो उनके द्वारा की गई जो खोज है, जो गणित में उन्होंने जो नए नए सिद्धांत जो दिए थे, वो सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान उपयोग कर रहे हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ, मैंने पहले ही बताया कि हमारा शिक्षण तंत्र ध्वस्त हो चुका था, हमें चाहिए था राष्ट्र निर्माण करने के लिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए था, हमें साइंटिस्ट चाहिए था, हमारे पास नहीं थे। जो कुछ थे वो लोग बाहर थे, उन्हीं में से थे विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा। अब होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई अब उस समय विदेशों में पढ़ रहे थे, जब उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ भारत को जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रयास से ये लोग वापस भारत आए, और होमी जहांगीर बाबा ये भी अविवाहित रहे जीवन भर। इन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा की आधारशिला रखी, तो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो इन्हीं के प्रयास से संभव हो पाया। सोचिए एक बहुत बढ़िया बड़ा कैरियर था उनके पास। अगर विदेशों में रहते तो हो सकता है कि जिस तरह के खुद के वो सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री थे होमी जहांगीर भाभा, आगे बढ़ते तो हो सकता है कि वो भी पश्चिम में रहकर विज्ञान की में कहाँ किस शिखर पे पहुँचते। पर उन्होंने देश को सर्वोपरि माना, अपने कैरियर को तिलांजलि देकर वो पहुँचे भारत में, और
उन्हीं के देखरेख में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। और जो विक्रम साराभाई थे, एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों में से थे, इसी प्रकार से जहाँ भाभा भी अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों में से, क्योंकि देखिए विदेश में पढ़ना उस समय वो संभव तभी था जब आप पैसे वाले हैं, आपके पास संपत्ति है, ऐसे तो मुश्किल था जब तक कि कोई आपका फाइनेंसर ना रहा हो। देश गुलाम था, कुछ कोई तंत्र नहीं था हमारे पास, केवल अंग्रेजों के लिए सब कुछ सुविधाएं थी। ऐसे समय पर वो पहुंचे थे तो मतलब निश्चित तौर पे अच्छे परिवारों के, रईस परिवारों के लोग रहे होंगे, थे भी। विक्रम साराभाई भी वैसे ही लौट के आए थे। और आज जो हम अंतरिक्ष विज्ञान देख रहे हैं वो विक्रम साराभाई के कारण ही संभव। ये लोग युगद्रष्टा थे, ये जानते थे कि हम विश्व को जरूरत क्या पड़ेगी। विक्रम साराभाई ने उस समय बना लिया था कि हमें अंतरिक्ष विज्ञान में क्या क्या चाहिए होगा, हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल कचरे से अगर आप देखें इसरो की वेबसाइट को देखें तो आप देखेंगे कि उस समय क्या कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम जमीन से शुरुआत की थी इन लोगों ने। और पूरे समय काम करना, ये दुर्भाग्य था कि दोनों ही महापुरुष ये जो थे, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ये कम उम्र में चले गए। होमी जहांगीर भाभा भी 60 के नहीं हो पाए थे, 54-55 साल में प्लेन क्रैश से डेथ हुई थी, किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे थे। और विक्रम साराभाई जिस अंतरिक्ष केंद्र में थे, जहाँ पर जो उन्होंने स्थापित किया था, वहाँ पर हृदय गति रुकने से 52-53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। पर जो उन्होंने किया इस, वो आज उसी के बल पर हम चंद्रयान भेज रहे हैं, हम मंगलयान भेज रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जाने की बात कह रहे हैं। मेघनाथ साहा हुए, मेघनाथ साहा ने भी बहुत कुछ किया, शांति स्वरूप भटनागर हुए। तो भारत में ये लोग थे जिन्होंने बिल्कुल शून्य से भारत को यहाँ तक लाए। आज कलाम साहब की भी बात हम कर सकते हैं कि कलाम साहब से मेरा खुद का भी परिचय रहा है, मैं कलाम साहब से मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने कुछ घंटे उनके साथ बिताए हैं। कलाम साहब को भी आप अगर देखें तो उन्होंने भी कहाँ से शुरुआत की। और आज हम मिसाइल प्रोग्राम जितना भी देख रहे हैं वो सब कलाम साहब के कारण है। और ये सब जीवन पर्यंत सन्यासी रहे। कलाम साहब ने भी कोई विवाह नहीं किया, कोई परिवार नहीं, राष्ट्रपति रहे तब भी वो एक साधारण जीवन जीते रहे। मैं तो उनके साथ में रहा, मैं देखता था कि इतना बड़ा व्यक्ति और इतना मृदु स्वभाव का, कहीं घमंड नाम की चीज ही नहीं थी उनकी। बच्चों के बीच में तो खुद बच्चे हो जाया करते थे। मैं कई बार गया, एक दो तीन बार मुझे ऐसा उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला मुझे, तो बच्चों के एग्जीबिशन हो रहे हैं वैज्ञानिक उपकरणों का, बच्चे बना के लगाए हुए, उसमें वो इतनी रुचि लिया करते थे, हर बच्चे से बात करने की कोशिश करना, घंटा दो घंटा जो है, इतने बड़े व्यक्ति थे इनके लिए घंटा दो घंटा समय खराब करना बड़ा वो था। या अगर बच्चों से भरी हुई सभा हो उस पर बोलना हो तो एक अलग ऊर्जा आ जाती थी, एक इतने वृद्ध व्यक्ति के रूप में एक अलग ऊर्जा आ जाती थी देश के लिए निर्माण करना। और ये सब राष्ट्रभक्ति, हमारे यहाँ बहुत कुछ था, हमने स्वतंत्रता के बाद भी बहुत कुछ किया, पर विस्मृति का कारण। मैं एक बात और यहाँ पर कहूँगा, आप नेहरू जी ने भारत एक खोज लिखी है ना, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है उन्होंने इतिहास लिखा, पर भारत कोई घुमी हुई चीज नहीं थी। भारत तो प्रतिष्ठित था ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, भारत का दर्शन आज भी सर्वोपरि, सब कुछ था भारत के पास, पर हमारी सहिष्णुता ने विदेशियों को आक्रमण करने दिया। नहीं तो आप ये बताइए कि क्या
संभव, क्या हो सकता था, क्या संभव था कि सोमनाथ में अफगानिस्तान से एक लुटेरा आकर सोमनाथ पहुंच जाए? अगर हमने मदद न की होती तो क्या ये संभव था? नहीं संभव था, बिल्कुल भी संभव नहीं। लोगों ने मदद की, मदद की, तब जाकर हम यहाँ तक वहाँ पहुँचे। भारत के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत, भारत को खोजा, भारत को खोजा किसी ने नहीं। वास्को डिगामा ने भारत की खोज, कहते हैं ना वास्को डिगामा ने भारत की, वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की। वास्को डिगामा जो था वो घूमते घूमते अफ्रीका के तट पे पहुंचा, जंजीबार तट पे पहुंचा। वहां पर जो है एक्चुअली उस समय मैंने बताया आपको कि भारत बहुत आगे था व्यापार में, अफ्रीका के तट, अफ्रीका से जो है जो मिनरल्स थे, हीरे जवाहरात थे, उनका उनका जो है व्यवसाय, उनका जो आदान प्रदान होता था कहाँ पर होता था? भारत में होता था। और भारत से मसालों का जो है आदान प्रदान जो है वो मतलब वहाँ से निर्यात, वहाँ से लेकर वहाँ पर दिया जाता था, व्यवसाय होता था। तो एक गुजराती व्यापारी वहाँ पर था, गुजराती व्यापारी जो है वो अपना जहाज लेके आया था कुछ मसाला वसाला लेकर, फिर वहाँ से वही हीरा हीरे सोना वापस लेने के लिए अफ्रीका के तट पे आया है। तो कोलंबस विश्व को देखने के लिए निकले हुए व्यक्ति थे। एक्चुअली ये कोलंबस हुए या वास्को डी गामा हुए, इन्होंने यही किया उस समय, यूरोप में यूरोप का व्यापार बढ़ाना था। तो ये लोग ऐसे नाविक थे जिन्होंने नए नए पथों की खोज की, जिससे कि व्यवसाय में आसानी, व्यवसाय का विस्तार। अगर वास्को डी गामा और कोलंबस ना होते तो यूरोप की जीडीपी इतनी नहीं बढ़ती, आगे नहीं बढ़ती। यूरोप में जो व्यवसाय आगे बढ़ा, वो जो उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, उसके पीछे व्यवसाय है। और उसके पीछे ये इस तरह के सेलर्स थे, इस तरह के नाविक थे जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और नए नए रास्तों की खोज की। लोग जानते नहीं थे कि रास्ते कहाँ हैं, क्या है। तो ऐसे ही वास्को डी गामा जब वहाँ पर देखा उन्होंने जंजीबार तट पे, तो देखा कि उनका तो जहाज छोटा सा था, पर एक वो जो गुजराती व्यापारी था उसका बड़ा सा बहुत बड़ा जहाज था। मैंने आपको पहले भी बताया है बीच में कि जहाज बनाने की हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। तो वो गए, अब वो जिसकंद नामक व्यापारी थे वो बैठे, गुजराती व्यापारी बैठे हुए थे चारपाई में, चारपाई साथ में रखते थे अपने जहाज में, वहाँ बैठे थे आराम से, थक गए थे शाम के समय में काम धंधा करके, तो थके हुए बैठे हुए थे। तो ये गए, नमस्कार किया इन्होंने, बोले हाँ भाई बताइए क्या है। तो बोले मैं आया हूँ ढूंढते हुए, आपका जहाज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कहाँ से हैं? तो बोले मैं भारत से हूँ। बोले आपका जहाज़ तो बहुत अच्छा है, मैं भी भारत जाना चाहता हूँ। तो बोले आइए भारत आइए। तो सोचिए कि कोलंबस जो थे, वास्को डी गामा जो थे, वो स्कंद के पीछे पीछे, जहाज के पीछे पीछे अपने जहाज को लेके आए और भारत में केरल के तट पे पहुंचे, मालाबार में पहुंचे। वहां पहुंचे, दिखाया किसने रास्ता? एक भारतीय ने रास्ता दिखाया। भारत आप जानते नहीं थे कि भारत कहाँ है, भारत को कोई खोजने की जरूरत नहीं थी, संपर्क के साधन नहीं थे। संपर्क का साधन किसने दिया? गुजराती व्यापारी ने दिया। पर कहते क्या है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है, ये बात जो है इंग्लैंड में संकलित है। हमारी पुराने समय में सब कुछ था हमारे पास, क्या नहीं था हमारे पास, हम इस देश के पास क्या नहीं, सब कुछ था इस देश के पास। हमारे पास ज्ञान था, विज्ञान था, तकनीकी ज्ञान था, हमारे पास इंजीनियर्स थे, हमारे पास जल प्रदाय व्यवस्था थी, सब कुछ था हमारे पास। अगर हम श्रीरंगपट्टनम की बात करें, हम हमारे यहाँ जो पुराने शहर थे उनकी बात करें, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो जल प्रदाय व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, नगर निर्माण की बात थी वो बहुत अच्छी थी। पर समस्या क्या है कि हम जानते नहीं। एक
छोटी सी बात, दो तीन बात जो मैं भूल गया था, मैं इसको बताना चाह रहा था। धोलवीरा गुजरात के तट पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर जब खोज की गई तो उसमें देखा गया कि किस तरीके से जो पानी है, जो बाढ़ का पानी है, उसको कैसे कलेक्ट किया जाए, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे नगर में पानी की व्यवस्था की जाए। उसको जब इंजीनियर्स देखते, आज के इंजीनियर्स देखते हैं, तो वो चमत्कृत हो जाते हैं कि उस समय कैसे इनके पास था। जो जल प्रदाय व्यवस्था थी, जल को साफ करना, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय के धोलवीरा का जो जल प्रदाय व्यवस्था थी उसको देख कर आज भी धातु तले उंगली लगाते हैं लोग। उसी प्रकार से श्री टेंगवेरपुर में भी आप देखें तो वहाँ पर पानी को प्रदाय करने, गंगा के पानी को प्रदाय करने की जो व्यवस्था थी उसको देखकर आज भी ये टेक्नोलॉजिकल वंडर। मैंने बात की थी बीच में आपसे सोमनाथ की, बात मैंने की सोमनाथ की भी, अगर हम बात करें तो सोमनाथ का जो मंदिर था, जो शिवलिंग था, कई बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। सोमनाथ का जो शिवलिंग था उसके बारे में कहते हैं कि सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ना आसान नहीं। सोमनाथ के मंदिर के बारे में एक वहीं के एक जकीरिया अल कजामी करके हैं, जो कि जिन्होंने लिखा है वंडर समथिंग क्रिएटेड एंड मार्वल समथिंग एग्जिस्टिंग, वो कहते हैं कि, वो लिखते हैं अपने लेखन में कि द किंग लुक अपॉन द आइडल विद वंडर एंड गेव ऑर्डर्स फॉर द सीजिंग ऑफ द स्पॉइल एंड डिनार। ऐसा कहा जाता है कि वो जो शिवलिंग था वो ना स्थिर था ना ही लटका हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हवा में तैर रहा। और जो सोमनाथ के मंदिर का जो वास्तुकला थी, शिवलिंग जो था, वो इस तरह का था कि वो चमत्कृत हो गया सुल्तान कि ये क्या है, ये कैसे कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो शिवलिंग को तोड़ पाया था और ये बहुत दुखद इतिहास है। इतिहास के बारे में चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा, उसने बाद में क्या किया क्या नहीं किया, पर लेकिन ये संभव तभी, ये सब संभव तभी हुआ। सोचिए कि अफगानिस्तान से आकर, काबुल से आकर वो इधर पहुँचा, कहाँ पहुँचा, पश्चिम में पहुँचा, गुजरात में पहुँचा, उसको कश्मीर पार करना होगा हुआ होगा, उसको राजस्थान पार करना हुआ होगा, तब जाके वो गुजरात पहुंचा होगा, पूरे भारत को पार करके जब पहुंचा होगा तो बिना किसी जयचंदों के ये संभव नहीं हो पाया होगा। तो भारत में निरंतर जो है हम लोग जानते नहीं रहे, एक विस्मृति रही और इस विस्मृति ने बहुत कुछ किया। आज भी हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमने क्या किया। अगर हम जानेंगे, आप ये जानते हैं कि अगर हम ये जानेंगे कि हम नागार्जुन, हम आर्यभट्ट, हम विवेक, स्वामी विवेकानंद, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमारे यहाँ प्रफुल्ल चंद्र राय हुए हैं, हमारे यहाँ जगदीशन बसु हुए हैं, हमारे यहाँ सी वी रमन हुए हैं, अगर हम ऐसे महापुरुषों की बात करें तो निश्चित तौर पर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी के पूर्वज जो हैं, अगर राजा महाराजा हुए तो उसे निश्चित तौर पर वो इतना तो जानेगा कि वो भिक्षा तो नहीं मांगेगा, वो प्रयास करेगा कि किसी तरीके से श्रम करके कुछ कमाने की कोशिश करे। तो यहाँ भी यही बात है कि अगर हम इतिहास को जानेंगे तभी जाकर देश आगे बढ़ पाएगा। आधुनिक विज्ञान में हमने आज बहुत कुछ किया है, पर लेकिन इसके बाद भी परेशानियाँ हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री, जब ये कोविड का आक्रमण हुआ, हम आज देख रहे हैं हम कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं, कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं, हमें खतरा है कोविड से भी, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया है, पूरा देश जो है वो लॉक बंद हो चुका है, बंद हो गया है, अर्थव्यवस्था फिर शुरू हुई है, पर लेकिन उससे अर्थव्यवस्था के शुरू होने के बाद कोविड का ग्राफ आज 10 लाख के ऊपर पहुँच चुका है। आज की स्थिति में, और वहाँ पर चीन ने मौके का फ़ायदा उठाया, चीन जो इस महामारी का जनक है,
उसने मौके का फायदा उठाया। आज हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम कैसे आत्मनिर्भर हों? बहुत परेशानी है। आप ये सोचिए कि बटन जैसी चीज जो कमीजों में लगती है, जो जिप लगती है, पैंट्स में लगती है, वो जिप तक हम बाहर से मंगाते हैं, चीन से मंगवाते हैं। औषधियों का कच्चा माल चीन से आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो जितने भी मोबाइल हैं, हम बना जरूर रहे हैं, भारत में कुछ मोबाइल बनाने लगे हैं, पर वो मोबाइल का भी 60% भाग चीन से आता है। आप सोचिए कैसे होगा आत्मनिर्भर देश? करना चाहिए आत्मनिर्भर होने की बात, हमें कोशिश भी करना, प्रयास भी करना चाहिए, पर लेकिन हमें प्रण करना होगा कि हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम विज्ञान को पढ़ें, विज्ञान को समझें, हमारे इतिहास से गौरव हासिल करें। जब आत्मगौरव का भाव होगा तब जाकर हम देश के लिए कर पाएंगे। विज्ञान से ही तकनीक निकलती है, विज्ञान से ही प्रौद्योगिकी निकलती है, बिना विज्ञान के टेक्नोलॉजी नहीं निकलेगी। हमें विज्ञान पढ़ना पड़ेगा तभी जाके टेक्नोलॉजी हम हासिल कर पाएंगे। हमें स्वदेशी वस्तुओं की प्रेम करना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा और देश के लिए करने की सोचना पड़ेगा। बहुत कठिन दौर है, हम आत्मनिर्भर निश्चित तौर पे होना चाहिए हमें और कोशिश करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर हों। अवसर भी है, मैं कहता हूँ हमेशा ये आपातकाल ने अवसर दिया है। ये जो मुसीबतों की घड़ी आई है इसने अवसर दिया है, इस अवसर का हम लाभ उठा सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे पास प्रेरणा के लिए हमारे महापुरुषों का इतिहास है। हम ऐसे नहीं हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम ऐसे देश हैं जिनकी हजारों साल का जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारी स्वर्णिम वैज्ञानिक परंपरा रही है। फिर हम पिछड़े क्यों? पिछड़े इसलिए कि विस्मृति थी, हम नहीं जानते थे कि यह देश क्या है, हम नहीं जानते थे कि हमने क्या किया। ठीक है, आधुनिक विज्ञान में हम पिछड़े, पर अभी भी कोई बिगड़ा नहीं। हम आज जो ये मुश्किल घड़ी आई है इसमें हम देखें अपने आप को, इसको अवसरों में बदलें। ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं शिक्षण व्यवस्था पे आई हुई है, पर हम इसके बाद भी अवसरों का लाभ उठाएं और इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं। मुझे लगता है आज इतना ही उचित है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिवार का, सुधांशु शेखर जी का और डेविड यादव जी का, कि आपने मुझे इस आपके इस मंच पर स्थान दिया। मुझे कभी अवसर मिलेगा तो फिर आऊँगा आपके बीच में। धन्यवाद।